हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सौरभ। दिस इज अवर 19th वीडियो लेक्चर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर वेरिएशन। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वॉच फुल वीडियो लेक्चर केयरफुली। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 19 है और चैप्टर का नेम वेरिएशन है। वेरिएशन मतलब विचरण। इसमें हम पढ़ेंगे एक साइन के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये साइन है प्रपोर्शन का। इसको हम कहेंगे साइन ऑफ प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब अनुपात का चिन्ह। इसको हम कह सकते हैं अनुपात का चिन्ह, साइन ऑफ प्रपोर्शन। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, और इस चैप्टर में केवल एक एक्सरसाइज दी हुई है और जिसमें टोटल क्वेश्चन दिए हैं 38। तो हम आपको एक एक क्वेश्चन कराएंगे और बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे इस चैप्टर को। तो बच्चों, जो आपके बुक में टू स्टेटमेंट दिए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल लेकर के हम आपको समझाते हैं कि प्रपोर्शन क्या होता है, अनुपात का चिन्ह क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कोई दो वैल्यू हैं, जिसे मान लेते हैं एक्स और दूसरी वैल्यू है वाई। अगर हम कहें कि अगर एक्स की वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो वाई की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो हम कह सकते हैं एक्स डायरेक्टली प्रपोर्शन टू वाई। इसको कहेंगे डायरेक्टली प्रपोर्शन टू वाई, या ये भी कह सकते हैं कि वेरीज डायरेक्टली। ये भी हम कह सकते हैं वेरीज डायरेक्टली। अगर हम ये कहें कि जब हम x की वैल्यू बढ़ाते हैं तो y की वैल्यू घट जाती है, यानी कि कम हो जाती है, तो हम इसको कहेंगे x इनवर्सली प्रोपोर्शन टू y, या कह सकते हैं वेरीज इनवर्सली। इसको ये भी कहा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जब हम x की वैल्यू बढ़ाते हैं तो y की भी वैल्यू बढ़ती है, जब हम x की वैल्यू बढ़ाते हैं और y की वैल्यू घटती है, तो इन दोनों में केवल इतना ही डिफरेंस है। जब हम दोनों की वैल्यू बढ़ रही है तो उसको कहेंगे वेरीज डायरेक्टली, और जब दोनों की वैल्यू सॉरी जब एक की वैल्यू घटे और एक की वैल्यू बढ़े, तो हम उसको कहेंगे वेरीज इनवर्सली। अगर हम एक्स की वैल्यू घटाते हैं तो वाई की वैल्यू भी घटनी चाहिए, तो हम कहेंगे वेरीज डायरेक्टली। अगर हम एक्स की वैल्यू घटाते हैं और वाई की वैल्यू बढ़ जाए, तो उसको कहेंगे वेरीज इनवर्सली। तो ये इम्पोर्टेंट है कि साइन ये जो है ये है अनुपात का साइन, और ये हमने दो एग्जाम्पल है। अब जो आपकी बुक में जो दो स्टेटमेंट दिए हैं उनके अनुसार हम समझते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं वेरीज डायरेक्टली को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुलोमता विचरित। विचरित मतलब चलना, अनुलोम मतलब एक ही दिशा में, और इसको कह सकते हैं प्रतिलोमता विचरित, यानी कि अपोजिट, उल्टी साइड में। जैसे हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाते हैं तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू घट जाती है, तो उसको कहते हैं प्रतिलोमता विचरित। अगर हम एक ही वैल्यू घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो दूसरे की भी वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी। तो हम स्टेटमेंट अब समझ लेते हैं। तो बच्चों, स्टेटमेंट नंबर वन देख लेते हैं। यदि एक्स वाई के अनुसार अनुलोमता विचरित होता है, अनुलोमता विचरित का मतलब है कि वेरीज डायरेक्टली या डायरेक्टली प्रोपोर्शन अनुलोमता विचरित होता है, तो एक्स रेशियो वाई किसी अचर राशि एम के गुणनफल के बराबर होगा, और इसके विलोमता यदि एक्स इज इक्वल टू एम वाई, तो एक्स वाई का अनुलोमानुपाती होगा। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं एक्स अनुपात का मतलब होता है साइन ऑफ डिवीजन, डिवीजन का चिन्ह। एक्स अपान वाई इज इक्वल टू एम, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू एम वाई। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y, x डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y, और जो यहां पर m है, m का मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन। जो m है ये कोई कॉन्स्टेंट होगा, यानी कि कोई भी अचर पद होगा, अचर मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है m। तो m की वैल्यू कोई भी क्लियर नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग एम की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब हम स्टेटमेंट नंबर टू देखते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट में दिया है यदि
एक्स वाई के अनुसार प्रतिलोमता विचरित मतलब वेरीज इनवर्सली होता है तो एक्स और वाई का गुणनफल किसी अचर राशि एम के बराबर होगा। इसके विलोमता यदि एक्स वाई इज इक्वल टू एम तो एक्स वाई को प्रतिलोमानुपाती होगा। तो यहाँ पर देखते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू एम और x इज इक्वल टू यहाँ से हम y को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा m इंटू वन अपान वाई। अगर हम कॉन्स्टेंट को हटाते हैं, हटाने के बाद हम ये वाला साइन यूज करेंगे x इनवर्सली प्रोपोर्शन टू y, इसको कहेंगे x इनवर्सली प्रोपोर्शन टू y। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन मतलब विचरण, इसको हम क्या कहेंगे, जो ये साइन है इसको हम कहेंगे क्या, प्रोपोर्शन अनुपात, और अनुपात का चिन्ह भी कह सकते हैं आप। जैसे कोई भी वेरीज डायरेक्टली तो हम उसको कहेंगे क्या, अनुलोमानुपाती का चिन्ह, और जो वेरीज इनवर्सली इस टाइप से हो एक्स प्रोपोर्शन टू वन अपान वाई तो हम इसको कहेंगे प्रतिलोमानुपाती। अब हम एक्सरसाइज थ्री की ओर बढ़ते हैं। बच्चों हम एक्सरसाइज थ्री पर पहुंच चुके हैं और पहला क्वेश्चन दिया है यदि वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स और वाई इज इक्वल टू थ्री, जब x बराबर 5 y का मान ज्ञात करो जबकि x बराबर 9। तो ये क्वेश्चन दिया है हमें, यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, y की, और यहाँ पर ये दिया है y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x, इसको हम ध्यान पूर्वक समझेंगे। और अब हम क्या करेंगे, y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x, ये है प्रोपोर्शन का साइन, इसको हम किस टाइप से हटाएंगे, जब हम हटाएंगे तो हम यूज करेंगे m कोई, इस साइन को हटाने के बाद हम यूज करेंगे इक्वल साइन को, और हटाने के बाद हमें कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन ने अभी स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू में पढ़ा था साइन, सॉरी कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन का कॉन्स्टेंट का मतलब है जिसकी वैल्यू ना बदले या जो स्थिर हो, जो कि हमने पढ़ा था एम मानते हैं या कोई भी लेटर हम मान सकते हैं, तो यहां पर हम एम ही मानेंगे क्योंकि स्टेटमेंट में दिया, तो हो जाएगा एम इंटू एक्स। यहाँ पर दिया है वाई इक्वल टू थ्री, हम वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे वाई इक्वल टू थ्री, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू इसी में दी है फाइव, तो हम फाइव की भी वैल्यू यहाँ पर, सॉरी एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे फाइव, तो यहाँ से एम की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो एम इक्वल टू फाइंड हो जाएगा थ्री अपान फाइव। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है वेन एक्स इज इक्वल टू नाइन। हमने यहाँ पर एक ये इक्वेशन बनाई है, इसी इक्वेशन के थ्रू हम वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम इस इक्वेशन को अब पुनः यूज करेंगे तो हो जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू दी है कितनी 9, तो हम एक्स की वैल्यू 9 पुट अप करेंगे, और उससे पहले एम दिया, एम की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 3/5 एक्स की वैल्यू 9, तो यहां से हम वाई की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे 27/5, ये हमारा आंसर है 27/5। आपको समझ में आ गया होगा, एक बार हम फिर से क्वेश्चन को पढ़ के समझा देते हैं। क्वेश्चन दिया है यदि वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स और y इक्वल टू थ्री, जब x इक्वल टू फाइव y का मान ज्ञात करो जबकि x बराबर 9। हमें y का मान ज्ञात करना है, और उससे पहले y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x दिया है जिसमें y की वैल्यू 3 दी है और x की वैल्यू 5 दी है, तो यहां से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे और यहां पर यूज करेंगे साइन ऑफ इक्वेशन, इक्वल का साइन यूज करेंगे, और हमने ये इक्वेशन बना ली, तो y इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन बन गई। y की वैल्यू यहां पर दी है पहली कंडीशन के अनुसार, और यहां से हम x की वैल्यू भी पहली कंडीशन के अनुसार पुट अप करेंगे, और यहां से m का हम मान निकालेंगे, तो m का मान निकल के आया 3/5। जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसी इक्वेशन को हम दोबारा यूज करेंगे y इक्वल टू mx, और यहां पर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, और वेन x इक्वल टू 9, जब x बराबर 9 दिया है और हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से हमने m की वैल्यू भी फाइंड की थी 3/5, उसको हम यहां पर पुट अप करेंगे, और x की वैल्यू हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने x की वैल्यू पुटअप की, और हमें y की वैल्यू फाइंड होगी 27/5, जो कि हमारा आंसर है। एवं क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, यदि x डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y, डायरेक्टली और इनवर्सली हम कैसे पहचानते हैं, जब 1/y दिया हो तो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन, और जब 1/y ना देकर के केवल y लिखा हो तो हम उसको कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है x डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y और x इज इक्वल टू 2a, जबकि y इक्वल टू 5b, y का मूल्य ज्ञात करो जबकि x इज इक्वल टू a/b। तो पहली कंडीशन के अनुसार यहाँ पर 3
कंडीशन दी गई है और दूसरी कंडीशन के अनुसार यहाँ पर केवल y की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y है तो हम इसको लिख सकते हैं x डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y। प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू एम वाई, एम कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन है। यहां से हम अब x की वैल्यू ये वाली जो पहली कंडीशन के अनुसार वैल्यू दी है उसको पुटअप करेंगे तो लिख लेते हैं 2a, और y की वैल्यू यहां पर दी है पुटअप करेंगे 5b, m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा कितना 2a पान 5b, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गई m की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यहां पर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये कंडीशन हमने सॉरी इक्वेशन में हमने बना ली थी x इज इक्वल टू एम वाई, तो हम लिख सकते हैं ये है इक्वेशन। तो इक्वेशन को एक बार हम फिर से यूज करेंगे x इक्वल टू एम वाई, और यहां पर हम क्या करेंगे y की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू a अपान b दी हुई है, हम पुटअप करते हैं और यहां हमने m की वैल्यू अभी निकाली है तो लिख लेंगे 2a अपान 5b इंटू y, y की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो हो जाएगा a अपान b इंटू 5b, उधर चला जाएगा 5b अपान 2a, a कैंसिल b भी कैंसिल तो हो जाएगा 5 अपान 2 को लिख सकते हैं 2 राइट 1 अपान 2। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। बच्चों इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जो दिया है, यदि x डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू yz और x इक्वल टू 30 जबकि y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3, x का मूल्य ज्ञात करो जब y इक्वल टू 1 अपान 2 z इक्वल टू 1 अपान 3, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से हम सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं जो दिया है x डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू yz, प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू एम वाई जेड, एम क्या कॉन्स्टेंट है। और अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो दी है पहली कंडीशन के अनुसार उसको पुटअप करेंगे, y की वैल्यू दी है उसको भी पुटअप कर लेते हैं, y की वैल्यू दी है कितनी 2 और z की वैल्यू कितनी दी है, यहां पर z की वैल्यू दी है 3। तो यहां से हम हो जाएगा 30 इक्वल टू 2 3 6 6, तो हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे हो जाएगा 30 5 6 इक्वल टू 5, m की वैल्यू निकल के आ गई 5। अब हम क्या करेंगे, जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसको एक बार फिर से यूज करेंगे, या हम यहां से यहां पर लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1, तो यहां पर हम लिख लेते हैं x इक्वल टू एम वाई जेड और सेकेंड कंडीशन के अनुसार हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो हम x को बिल्कुल उसी तरह रखेंगे और यहां से m की वैल्यू पुटअप करेंगे 5, y की वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार दी है 1 अपान 2 और m सॉरी z की वैल्यू दी है यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 अपान 3, तो हो जाएगा कितना 5 अपान 6, तो x की वैल्यू यहां से निकल के आ गई 5 अपान 6, ये हमारा आंसर है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जो दिया है, यदि x y और z के साथ विचरित होता है और यदि x बराबर 1 जबकि y बराबर 3 और z बराबर 4, तो x का मूल्य ज्ञात करो जबकि y बराबर 8 और z बराबर 9। हमने यहां पर लिख रखा है इफ एक्स वेरीज टू वाई एंड जेड एंड इफ एक्स इज इक्वल टू 1 वाई इज इक्वल टू 3 जेड इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इक्वल टू 8 जेड इक्वल टू 9। पहले हम क्या देखते थे, पहले दूसरे और तीसरे क्वेश्चन तक हमने देखा कि प्रोपोर्शन का साइन क्वेश्चन में ही लगा रहता है, लेकिन अब हमें क्या है दिया है, थ्योरी दी गई है, थ्योरी दी गई है और हमें प्रोपोर्शन का साइन यूज करके प्रोपोर्शन वाली इक्वेशन बनानी है। तो यहां पर एक्स वेरीज टू, तो एक्स वेरीज टू वाई एंड जेड, वाई एंड जेड इस टाइप से लिखेंगे, जो एक्स है वो विचरित होता है वाई और जेड के साथ, वाई के भी साथ हमने विचरित किया और जेड के साथ भी हमने विचरित किया और यहां पर वैल्यू दी है एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 3 जेड इक्वल टू 4, लेकिन हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब हम एक में ही मिलाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वाई जेड, और हम इस साइन को हटाएंगे तो यूज करेंगे इक्वल का साइन, हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एम वाई जेड। आप इतना जरूर ध्यान रखिए, जब आप प्रोपोर्शन से इक्वल में जाएंगे तो आप एम को यूज करेंगे। हम यहां पर क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू पुटअप करेंगे, जो एक्स की वैल्यू दी है 1, एम की वैल्यू हम यहां से फाइंड करेंगे, वाई की वैल्यू दी है 3,
जेड की वैल्यू दी है 4, एम की वैल्यू हो जाएगी 1/4 3 12, एम की वैल्यू हो गई 1/12। इक्वेशन हमने ये बना ली थी तो हम यहां से लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1, जो इक्वेशन हमने बनाई थी एक्स इक्वल टू एम वाई जेड उसको हम यूज करेंगे और हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, तो लिख लेते हैं एक्स इक्वल टू एम की वैल्यू फाइंड की हमने 1/12, वाई की वैल्यू हमने फाइंड की है 8, जेड की वैल्यू फाइंड की है 9। यहां से हम कट करेंगे तो 4 2 8, 4 3 12, 3 3 9, यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई 2 × 3x = 6, तो एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई 6, ये हमारा आंसर है। बच्चों इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जो दिया है, यदि एक्स वाई का अनुलोमानुपाती है और जेड का प्रतिलोमानुपाती है और यदि एक्स बराबर 2 जबकि वाई बराबर 4 और जेड बराबर 3 तो एक्स का मूल्य ज्ञात करो जबकि वाई बराबर 6 और जेड बराबर 5 है। बच्चों क्वेश्चन की थ्योरी हम एक बार फिर से पढ़ेंगे और थ्योरी के अकॉर्डिंग नोट करेंगे। दिया है यदि एक्स वाई का अनुलोमानुपाती, अनुलोमानुपाती का मतलब हमने बताया था वेरीज डायरेक्टली, तो एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वाई, इतना हो गया। और इसके बाद दिया है और जेड का प्रतिलोमानुपाती है, एक्स जो है जेड का प्रतिलोमानुपाती यानी कि वेरीज यूनिवर्सली, तो लिख सकते हैं एक्स वेरीज यूनिवर्सली टू जेड, ये भी कह सकते हैं डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन, ये भी कह सकते हैं, इतना हो गया। इसके बाद दिया है यदि x बराबर 2 y बराबर 4 z बराबर 3 तो y का मान याद करो, तो x का मान याद करो जबकि y बराबर दिया है 6 और z बराबर दिया है 5। ये क्वेश्चन आया है यूपी बोर्ड एग्जाम 1980 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में मिलाएंगे तो हो जाएगा एक्स प्रोपोर्शन का साइन वाई अपान जेड, प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू एम वाई अपान जेड, इक्वल साइन लगाया और एम कांस्टेंट को यूज किया। यहां पर एक्स की वैल्यू दी है 2, यूज करते हैं 2, y की वैल्यू दी है यहां पर 4 और z की वैल्यू दी है 3, तो अब हम क्या करेंगे m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 2 × 3/4, 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा m की वैल्यू 3/2, तो m की वैल्यू फाइंड हो गई 3/2। और अब हम इस इक्वेशन को जो इक्वेशन 1 है यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को यूज करेंगे तो यहां पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, लिख सकते हैं x इक्वल टू एम वाई अपान जेड, एम की वैल्यू हमने फाइंड की 3/2 और वाई की वैल्यू यहां पर दी है 6 और जेड की वैल्यू दी है 5, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 2 3 6 9/5, इसको हम लिख सकते हैं 1/4/5, ये है एक्स की वैल्यू, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स इक्वल टू 1/4/5, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जो दिया है, यदि एक्स वाई के वर्गमूल के व्युत्क्रम के अनुसार परिणमित होता है और जब एक्स बराबर 5 तो वाई बराबर 4, यदि एक्स बराबर 20 तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन की थ्योरी एक बार फिर से हम ध्यान से पढ़ेंगे। दिया है यदि एक्स वाई के वर्गमूल के व्युत्क्रम के अनुसार परिणमित होता है, परिणमित मतलब वैरी करता है, तो हम लिख सकते हैं एक्स प्रोपोर्शन टू व्युत्क्रम के, दिया है किसके वाई के वर्गमूल के, तो वाई का वर्गमूल करते हैं वाई, तो व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y परिणमित करता है। और दिया यहां पर वैल्यू एक्स इक्वल टू 5 वाई इक्वल टू 4 और इसके बाद एक्स इक्वल टू 20 तो वाई का मान हमें फाइंड करना है, तो यहां से हम इक्वेशन बनाते हैं एक्स इक्वल टू एम अपान रूट वाई, इतना कर लिया। एक्स की वैल्यू दी है 5, पुटअप करेंगे, वाई की वैल्यू दी है 4, पुटअप करते हैं, 5 इक्वल टू एम अपान इसको हम लिख सकते हैं 2, तो एम की वैल्यू यहां से फाइंड हो गई 5 × 10, 5 × 2 = 10, एम की वैल्यू कितनी हो गई एम इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है हम इसको यूज करेंगे बार फिर से, यूजिंग इक्वेशन 1,
तो हो जाएगा x इक्वल टू एम अपान रूट वाई। एक्स की वैल्यू दी है 20, एम की वैल्यू फाइंड की हमने 10 और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी, तो इसको लिख सकते हैं रूट वाई। तो हम रूट वाई इक्वल टू लिख सकते हैं 10/20 हो जाएगा 1/2 हो जाएगा 1/2। अब हम क्या करेंगे, हमने फाइंड कर लिया रूट वाई इक्वल टू 1/2। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा रूट वाई का स्क्वायर करेंगे और इधर 1/2 का भी स्क्वायर करेंगे, तो ये रूट और 2 कट जाएगा, हो जाएगा वाई इक्वल टू 1/4। ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जो दिया है, यदि एक्स वाई के वर्गमूल का व्युत्क्रम समानुपाती है और यदि एक्स बराबर 6 जबकि वाई बराबर 9 तो एक्स का मान ज्ञात करो जबकि वाई इक्वल टू 25। ये क्वेश्चन आया है यूपी बोर्ड एग्जाम में 1989 में आया, यूपी बोर्ड एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे थ्योरी पहले और फिर सॉल्व करेंगे। तो दिया है यदि एक्स वाई के वर्गमूल, वाई का वर्गमूल क्या होता है, वाई रूट वाई, ये हो गया वर्गमूल, ठीक है इतना समझ गए हम लोग। वाई के वर्गमूल का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी कि 1/y, इतना हो गया व्युत्क्रम होता 1/√y, व्युत्क्रम समानुपाती है किसके है, एक्स के, तो हमने कर लिया एक्स व्युत्क्रम समानुपाती, व्युत्क्रम मतलब उल्टा समानुपाती 1/√y। तो हम इसको ये भी पढ़ सकते हैं एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रूट वाई, या ये भी पढ़ सकते हैं इसको हम पढ़ सकते हैं एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/√y, या ये भी पढ़ सकते हैं एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शन टू रूट वाई, दोनों भी पढ़ा जा सकता है, बस क्या है 1/ हम लगा सकते हैं। तो इसके आगे दिया है यदि एक्स बराबर 6, एक्स बराबर 6 दिया है और क्या दिया है, जबकि वाई बराबर 9 और इसके बाद दिया है तो एक्स का मान ज्ञात करो जबकि y इक्वल टू 25, इतना दिया है हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जो y इक्वल टू 25 दिया हो। तो हम यहां पर क्या करते हैं, x इक्वल टू प्रोपोर्शन से इक्वल में जाएंगे तो m इंटू 1/√y करेंगे, इतना समझ गए होंगे आप लोग कि प्रोपोर्शन के बाद जब हम इक्वल साइन में जाते हैं तो कॉन्स्टेंट m को मल्टीप्लाई में यूज करते हैं और इक्वल साइन लगाते हैं, और यहां पर x की वैल्यू दी है 6 यूज कर लेते हैं, m की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, y की वैल्यू दी है 9 तो हो जाएगा √9। तो इसको लिख सकते हैं √9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, जो भी स्क्वायर रूट कटेगा तो बचेगा केवल 3, तो यहां से हम लिख सकते हैं m इक्वल टू 6 × 3 = 18। तो यहां से हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली कितनी, 18। अब हम इस इक्वेशन को जो हमने इक्वेशन बनाई है इसको एक बार फिर यूज करेंगे, लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। तो यहां इक्वेशन दी है x इक्वल टू m अपान रूट वाई, अब हम क्या करेंगे, m की वैल्यू दी है 18 पुट अप करेंगे और y की वैल्यू हमें यहां पर दी है 25, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 अपान, इसको हम लिख सकते हैं 5, तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 3 राइट 3 अपान 7 3 राइट 3 अपान 5, तो ये हमारा आंसर हो गया क्योंकि ये है फ्रैक्शन फॉर्म में और हमने इसको चेंज कर लिया मिक्स फ्रैक्शन में। बच्चों इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जो दिया है, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/√y, हम लिख सकते हैं एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/√y और वाई इक्वल टू दिया है 9 जब एक्स इक्वल टू 4, इसके बाद हम एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स का मान ज्ञात करो जब वाई इक्वल टू 25। बहुत इजी क्वेश्चन है, यहां से हम इक्वेशन बनाएंगे एक्स इक्वल टू एम अपान रूट वाई, इसको हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं, एक्स की वैल्यू पुट अप करेंगे 4, एम की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू पुट अप करेंगे 9, तो हो जाएगा 4 × √9 को लिख सकते हैं 3, तो यहां से एम की वैल्यू फाइंड हो गई 4 × 3 = 12। एक बार हम फिर से इक्वेशन 1 को यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1, तो हो जाएगा x इक्वल टू एम अपान रूट वाई और x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इक्वल टू एम की वैल्यू हमने फाइंड की 12,
वाई की वैल्यू दी है 25, तो हो जाएगा 12/25 को लिख सकते हैं 5, क्योंकि ये रूट है, तो यहां से mx की वैल्यू लिख सकते हैं 2 / 2/5, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जो दिया यदि x के वर्ग के अनुसार y विचरित हो, x के वर्ग के अनुसार y विचरित हो, तो लिख सकते हैं x स्क्वायर प्रोपोर्शन टू y, y विचरित हो, और जब y इक्वल टू 2a दिया है, x इक्वल टू दिया है, तो x और y के बीच संबंध स्थापित करो तथा y का मान ज्ञात करो, y का मान ज्ञात करो, जब x इक्वल टू दिया हो 2a और उसके पहले दिया x और y के बीच संबंध स्थापित करो, x और y के बीच हमें कोई रिलेशन स्थापित करना है, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू एम वाई। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो यहां पर x की वैल्यू दी है a, a का स्क्वायर कर लेते हैं, m इंटू y की वैल्यू दी है 2a, इतना हो गया, a का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू 2a, एम की वैल्यू लिखेंगे हो जाएगा ए स्क्वायर अपान 2a, a कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a अपान 2, तो एम की वैल्यू हो गई a अपान 2। तो इक्वेशन हमने जो बनाई थी वो इक्वेशन है ये, सॉरी इक्वेशन है ये, तो यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को यूज करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू एम वाई, यहां से x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, x की वैल्यू दी है कितनी 2a, तो यहां पर हो जाएगा 2a का स्क्वायर, m की वैल्यू हमने फाइंड की है भी a अपॉन 2, तो हम यहां से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर इंटू 2 अपॉन a, y इक्वल टू हो जाएगा 4a इंटू 2, क्योंकि ये a और एक पावर कट जाएगी तो हो जाएगा 8a, y इक्वल टू हो गया 8a। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कहा गया था कि y की वैल्यू फाइंड करो, जो कि निकल के आ गई है 8a, और x और y के बीच रिलेशन यानी कि कोई संबंध स्थापित करो, तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं x स्क्वायर इक्वल टू एम वाई, एम की वैल्यू हो जाएगी अपॉन 2 इंटू वाई, और अब हम क्या करेंगे, जो ये 2 दिया इसको इस साइड में जब हम ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू ए वाई, 2x स्क्वायर इक्वल टू ए वाई, तो ये x और y के बीच ये संबंध स्थापित हो गया, कोई इक्वेशन हमें बनानी थी जिसमें x और y दिया था, तो ये रिलेशन हो गया, ये हमारा आंसर 1 है और ये हमारा आंसर 2 है, समझ में आया होगा आपको। इसके बाद हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो दिया है यदि x का वर्ग y के वर्ग मूल के अनुक्रमानुपाती है, x का वर्ग y के वर्ग मूल के अनुक्रमानुपाती सॉरी प्रपोर्शन है, तो प्रपोर्शन का साइन यूज करेंगे, आगे दिया है तथा जेड के घन के प्रतिलोमानुपाती, जेड के घन के प्रतिलोमानुपाती यानी कि 1/ कौन है एक्स स्क्वायर है, इतना कर लिया, और यदि एक्स बराबर 2 वाई बराबर 9 और जेड बराबर 3, तो वाई का मान ज्ञात कीजिए जब एक्स बराबर 6 और जेड बराबर 2 दिया हो, तो हम इन दोनों इक्वेशन को मिलाते तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्रपोर्शन टू रूट वाई इंटू 1/z³, हो जाएगा प्रपोर्शन से इक्वल में जाएंगे तो हो जाएगा एम रूट वाई अपान जेड क्यूब, एक्स की वैल्यू दी है 2 अप्लाई करेंगे हो जाएगा 2 × 2 = 4, रूट वाई, वाई की वैल्यू दी है 9 तो रूट जब हम हटाएंगे तो हो जाएगा 3, जेड की वैल्यू दी है 3, 3 का क्यूब होता है 27, इतना कर लिया, एक बार हम कट करेंगे 3 × 3 = 3, 3 × 9 = 27 हो गया। अब हम क्या करेंगे, एम की वैल्यू फाइंड करेंगे 4 × 9 = 36, एम की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, एम जो कॉन्स्टेंट मानते हैं वैल्यू फाइंड हो गए 36। अब हम इक्वेशन 1 ये जो है इसको हम एक बार फिर से यूज करेंगे, तो लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम रूट वाई अपान जेड क्यूब, वैल्यू फाइंड करनी है हमको वाई की, तो एक्स की वैल्यू पुटअप करेंगे 6 का स्क्वायर 36, एम की वैल्यू 36 रूट वाई अपान जेड, जेड की वैल्यू दी है 2 हो जाएगा 8, 36 कट हो जाएगा रूट वाई इक्वल टू 8। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड दोनों तरफ जो स्क्वायर करेंगे हो जाएगा वाई
इक्वल टू 8 × 8, क्योंकि ये रूट दिया है और हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट और स्क्वायर कट जाएंगे और इधर 8 × 8 = 64, तो यहां से y की वैल्यू फाइंड हो गई 64। तो बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर हो गया y इक्वल टू 64। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, हमने आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया जिसमें टोटल 38 क्वेश्चन है और हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 हमने कर लिए हैं और हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा और 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स को चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रही होंगी, वहां से आप देख सकते हैं। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए कि इस YouTube चैनल पर क्लास 11th एग्रीकल्चर मैथ्स भारत भारती पब्लिकेशन का संपूर्ण हल कराया जा रहा है। कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रश्न समझ में ना आए तो वैसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।